हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आई होप यू आर बहुत ज़्यादा मस्त और एकदम स्वस्थ। तो अभी हम लोग आए हुए हैं बगान, और यहाँ पे मम्मी, हम और भाभी और बाबू आए हुए हैं। तो रूम का कुछ काम था वो करने के लिए, और पौधा वगैरह में पानी देना था। आलू का पेड़ वगैरह सूख गया है, और थोड़े थोड़े आलू के पौधे होने लगे हैं। और बाबू को हम यहाँ टहला रहे थे, इस लड़की को टहला रहे थे। लो, अब मत खाओ उसको, छोड़ो, गिर गया। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना हुआ है। इस वाले रूम में तो नहीं हुआ है, बट आगे वाला रूम में पौधा हो चुका है। और इसको ना रूम में बिल्कुल रहने का मन नहीं कर रहा, एकदम बाहर छोड़ दो, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा खुला स्पेस है। इसको खाली घूमने को मिलता है, घूमना है इसको और कुछ नहीं। तो ऐसे आलू के पौधे हुए हैं। इस रो से इधर तो कम हुए हैं, इधर इस रो से पूरा उतना दूर तक है। और अभी काव्या के बस आगे पीछे घूम रहे हैं, बस मेरा अब यही काम है। और भाभी और मम्मी को दिखाते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। इसका चलना, ओहो, और कपड़ा कितना गंदा कर दिए हैं। वैसे उधर से गेट है जाने का, पर लेकिन मुझे शॉर्टकट है तो इधर से जा रहा है। ये थोड़ा सा टूट चुका है ये वाला, तो यहीं से शॉर्टकट पड़ता है, तो थोड़ा लॉन्ग कट है, थोड़ा अंदर से घूम के जाना पड़ता है, इस वजह से इधर से जाते हैं। यहाँ से मोटर का पानी कनेक्ट करके खेत में जा रहा है पानी। और मम्मी अभी यहाँ पे उधर है, खुला मैदान है उधर, तो मम्मी इधर सफाई कर रही है और लहसुन लगाएंगी, और भाभी उधर साइड है। और हम लोग के यहाँ पे शकरकंदा भी हुआ है, हम लोग बहुत बार, ये शकरकंदा का लत है। और इस तरह हम लोग का शकरकंद हुआ है, अभी बहुत है। अभी ये लोग अगर खोद के निकाले ना तो ढेर सारा निकलेगा, और अभी निकला है इतना, अभी निकाल रही है मम्मी। ठीक है, हम जा रहे हैं काव्या के पास। और इधर साफ करवाने के बावजूद भी इतना जल्दी हो जाता है ना। ने छोड़ दिया बेचारे को। और वो पता है कितना, अब तो बहुत ज्यादा कैमरा फ्रेंडली हो गई है वो। नहीं खा पाएगी काव्या, कच्चा है। और यहाँ पे हमने गेंदा का फूल लगाया था, वो इतना बड़ा हो गया है, और सुंदर सुंदर गेंदा का फूल हो रहा है। और मम्मी ने यहाँ पे धनिया लगाया है, उस पर मेथी लगाया है, और यहाँ लहसुन लगाया है, बाकी और सब कुछ कुछ है, और कुछ कुछ साग वगैरह है। तो इतने दूर में सिर्फ हमने आलू ही लगाया है। उधर वाला तो आपको पता है कि इधर उधर तो धान लगा हुआ है दो खेत में, और आके पानी देना पड़ता है यार, बस इसी वजह से थोड़ा बिजी रहता है, वरना और कुछ रीज़न नहीं है बिजी रहने का। और उस लड़की को पता नहीं क्या यार, उसको चप्पल में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बार बार वहीं जा रही है। अरे छोड़ो, फिर तुम आ गई, चल चल चल। पूरा कपड़ा भींगा ली है लड़की। क्वार्टर में इतना जगह होता भी नहीं है कि इतना ज़्यादा घूम पाए, इसलिए जब भी आती है गाँव दिन भर खाली घूमना घूमना घूमना। इसका बदमाशी एकदम नेक्स्ट लेवल रहता है, एकदम हद से ज़्यादा बदमाशी करती है। कपड़ा तो इतना गंदा कर लिया है कि बस बस बस
इसको ड्रेस चेंज कर देंगे आप यार, इसको इस तरह नींद दे रही है, कहीं कहीं छेदा हो गया है, जैसे कि हम लोग का क्या एक मिट्टी का रूम है, बस उसी का निपाई चल रहा है, अभी अंदर में करना बाकी है, पहले बाहर में कंप्लीट कर ले रही है मम्मी। ये वाला से हम लोग रखते हैं, कहाँ रखने वाला भाभी, कहाँ रख दी, इससे गाइस इससे रगड़ते हैं, इसे ऐसे करके क्लीन करने के लिए, हाँ इस तरह जैसा हो जैसा, क्योंकि कहीं कहीं इस तरह टूट गया है तो उसको, हाँ मीन फट गया है उसको, मैं इस तरह करके इक्वल कर दे रही है। देखो इस बदमाश को, इसको खाने के लिए दिए थे तो ये क्या कर रही, क्या है ये, क्या है ये, ये क्या है, क्या कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है गधी कहीं की। तो अब शाम हो गई है और कपड़ा मैंने पसारा था बाबू का और मम्मी का, वो उतारेंगे, उसके बाद फिर मैं फ्रेश हो जाऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। सेम ब्लॉग अनदर डे, तो आज भी हम लोग यहीं पे हैं और आज बताते हूँ कि आज क्या क्या काम हो रखा है। बहुत ज़्यादा काम हो रखा है यार, बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि एक मतलब तो कुछ नहीं कहना है, कुछ कहना ही बेकार है यार। और फिर अगर काम पे ना ध्यान दो तो मम्मी का अलग डांट सुनने को मिलता है। फिलहाल मम्मी तो यहाँ पे आलू लगा रहे हैं, फिर से वाले बगान में आलू लगा रहे थे और अभी यहाँ वाले बगान में आलू लगा रहे हैं। बहुत मेहनती लड़की है मेरी मम्मी, बहुत ज़्यादा, पापा चाहे कितना भी मना कर ले कि मत करो हम ऐसे मैनेज हो जाएगा, वो बोले कि कोई नहीं कर लेते, अपना बगान में होगा, थोड़ा आप ही का पैसा बचेगा, आपका भलाई के लिए बोल रहे हैं। मम्मी तो खुद तो करती ही है, पापा को भी साथ में लगा देती है, क्या पापा आपको अच्छा मजा आ रहा है करके, मजदूरी मम्मी मजदूरी देना स्टार्ट कर दीजिए, आप अपना रेट बता दीजिए पापा, मम्मी बोलेगी कि होगा तो क्या हम खाएंगे। और वो लड़की पानी दे रही है, उसको एक काम दे दिए हैं, सुबह से कुछ नहीं किया है, सुबह ऐसी फोन पे चला रही है, बैठी हुई है। और आप भी लड़की को देखो, ये लड़की नहीं है, ये हमारी काव्या रानी है, मिस काव्या रानी जी, उसको पानी पटाने का काम दे, आधा भी नहीं पटा है तुम्हारा, वो टमाटर जितना दूर तक दिख रहा है सारा टमाटर में देना है। और भैया को दिखाते कि भैया क्या करे, आज हम लोग सबको आए हुए हैं, हम आए हैं, सिमरन आए हैं, भाभी आए हैं, भैया आए हैं और मम्मी पापा को तो आपने देख लिया, उसका तो मस्त, किसी का गोदी, कभी दादी का गोदी, कभी दादा का गोदी, मेरा गोदी, कभी सिमरन का गोदी, सबका गोदी में रहती है। वो जो पेड़ नहीं काट दिया था, गांधी बड़ी बोलता था कि अकेले नहीं होगा, बाबू को और मम्मी कल ये आलू लेके आए थे, इसमें छोटा छोटा वो उठ गया है, तो उससे वो उससे जल्दी होगा। और मैंने भी वोट दे दिया है, मेरा पहला वोट था, पहली बार मैंने और भाभी ने दोनों ने वोट दिया है।
देश के लिए होगा गांधी, पर हम लोग के लिए खुद गांधी चाचा यहाँ पे। गांधी चाचा हम लोग के अपने गांधी चाचा है, वो देश का गांधी होगा। इधर मैंने दिखाया रहा था, इधर टमाटर का लगा हुआ है, कुछ ऐसा दिखता है टमाटर के पेड़, टमाटर का पौधा, नॉट पेड़। पेड़ पेड़ बोल के आदत हो गया, पौधा को भी पेड़ बोलते हैं। यह हम इसको बोल रहे थे कि हम पानी पटा देते हैं, पर ये कह रहे थे नहीं हम कर लेंगे। और अब इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, मेहनत हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इस तरह चढ़ के आपको जाना पड़ता है, और वो पाइप खेत में फिट है ना, तो एकदम नीचे में पाइप है और इसको वहाँ से पानी उठा के लाना पड़ रहा है। करो करो और मैं यहाँ पे खेती बाड़ी कर रही हूँ मजे से। करो करो गाइज, माता और पिताजी यहाँ पे काम कर रही हैं, और ये मेरे गोदी में। और उधर कहीं भैया भी है, बस दिख नहीं रहा है, ऊपर चढ़ा है लगता है ऊपर। उधर ये पेड़ का आधा हिस्सा कट करके यहाँ नीचे ला दिया गया है, और ये बार बार डायरेक्शन चेंज कर रही है। इसको यहाँ बैठा देते, बात ही खत्म। हम लोग ने मेहनत किया है एक डबका लाने में। मैं तो इसे राम समझता था, ये तो ड्रैकुला निकला रहे हैं। फिर से लाओ। तुम तो ड्रैकुला है रे। Oh my God, हम दे दे क्या सीआरपी? इतनी मेहनत। चलो अब हो गया, लेके चलो। हाँ करो तो इंट्रो, करो तो तुम इंट्रो करो कैसे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मम्मी मम्मी आप इंट्रो करो कैसे करके। हेलो गाइस, हम लोग घर अब जा रहे हैं, घर खट ले खट ले। हाँ ठीक है, मेरा बात। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। सो स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आना है तो आइए, वरना वीडियो देख के बस चले जाइए। हाँ लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्लॉग चैनल, हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग अभी मम्मी का निकलने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। मम्मी का स्क्रिप्ट भाभी चेप रही है आपके इस झूठी महिला पे। इस झूठी महिला पर भरोसा ना करें, ये दुनिया की सबसे बड़ी पानी का ओला। देख रहे हैं, धोखा दे रही है किस चीज को। देख यहां पे धोखा दे रही है। आज आज चुप रहे, इश्क इश्क। और आज मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया है। अब पता नहीं, हो सकता घर जाके मम्मी मेरे को कूटे। वो गलती क्या है यार, तो बोलना नहीं है ना, बोलना नहीं है, पर हम फंस जाएंगे यार। ये वाला जो पाइप है जिससे हम लोग पानी खींचते हैं ना, वो वाला ना बीच टूट गया है। और हम पापा को बताए, मम्मी को नहीं बताया है। और पापा बोले हम संभाल लेंगे, पर लेकिन मम्मी को जहाँ तक पता, जब पाप हो रहा है फिर क्या है कम। मम्मी के आगे पापा का भी नहीं चलता। राइट, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। हमको लगता है ना, हम बाल कटवा के बहुत गलती कर दी है, कहे कि बहुत गंदा लग रहा है हमसे, बहुत गंदा लग रहा है। तुम सुंदर कब थे?